दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। हमारी दुनिया में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा मिलेगी। दुनिया भर के अलग अलग देशों में अपराध करने पर अलग तरीके से सजा देने का प्रावधान है। दुनिया में कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहां अपराध करने पर ऐसी सजा दी जाती है कि देखने वालों की रूह कांप उठे। आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों में मौत की सजा विभिन्न रूपों में दी जाती है, लेकिन कुछ देशों में ऐसी क्रूर सजा दी जाती है जो मौत से भी बदतर है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही सजाओं के बारे में बताएंगे। सजा देने का ये तरीका दुनिया के कई देशों में सदियों से चल रहा है। 15 अक्टूबर 2014 में सऊदी अरब में जादू टोना सहित अनेक अपराध करने पर 59 लोगों के सिर काट दिए गए। विश्व इतिहास में यह सजा पाने वाली सबसे प्रमुख अभियुक्त स्कॉटलैंड की रानी मैरी थी, जिसे 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मौत का षड्यंत्र रचने में यह सजा दी गई थी। हालांकि वर्तमान में यह सजा कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दी जाती है। यह सजा दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अपने ही सैनिकों को दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के समय जो सैनिक लड़ने के इच्छुक नहीं होते थे उन्हें ये सजा दी जाती थी, ताकि बाकी सैनिक ऐसा सोचने की जरूरत भी ना करें। सजा पाए जाने वाले सैनिकों को एक लाइन में खड़ा करके उन्हें गोलियों से भून दिया जाता था। केवल इंग्लैंड ने ही अपने 300 सैनिकों को ऐसी सजा दी थी। मध्यकाल में पुरुषों और महिलाओं को राजद्रोह करने पर जिंदा जला दिया जाता था। अंग्रेजों द्वारा 1431 में कई जानी मानी हस्तियों को यह सजा दी गई थी। वहीं 1600 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक जियोर्डानो ब्रूनो को भी जिंदा जलाने की सजा दी गई थी, क्योंकि कैथोलिक चर्च को यह डर था, उनका यह सिद्धांत कि पृथ्वी की जगह सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, तेजी से वाजिब होता जा रहा है। ये सजा खाने में जहर मिलाने पर दी जाती थी। 8वें हेनरी के कार्यकाल में 1500 लोगों को खाने में जहर मिलाने के आरोप में ये सजा दी गई थी। 1542 में मार्गरेट डेवी नाम की नौकरानी को मालकिन के खाने में जहर मिलाने के कारण सजा के तौर पर खौलते पानी में उबाला गया था। हालांकि ये कानून 1547 में रद्द कर दिया गया था। ये सजा भी राजद्रोह के आरोप में दी जाती थी। सजा के तौर पर आरोपी को गर्दन से लटकाया जाता या घोड़ों से घसीटा जाता था। अपराधी के शरीर को मरने से पहले 4 हिस्सों में काट दिया जाता था। शरीर के टुकड़ों को शहर के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता था, ताकि आगे से कोई भी इस तरह का अपराध ना करे। इस तरह की सजा का प्रावधान साल 1241 में शुरू हुआ था। ये सजा 1799 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान शुरू की गई थी। 1792 में स्वेप्ट पेरिस की तानाशाही के दौरान हजारों लोगों को ये सजा दी गई थी। इस किलिंग मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया था। कई नामी लोगों को गिलोटिन मशीन से कटवा दिया गया था, जिसमें फ्रांस के राजा लुई 16 और उनकी पत्नी भी शामिल है। सजा देने का ये वो क्रूर तरीका है जिससे जीसस को भी सजा दी गई थी। ये ईसाइयत के इतिहास का सजा देने का सबसे क्रूर तरीका माना जाता है, क्योंकि इस सजा में इंसान कई घंटों से लेकर 3 दिनों तक तड़प तड़प कर मरता है।
71 पूर्व ईस्वी में रोमन साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाने पर 6000 लोगों को सूली पर लटका दिया गया था। इसी तरह की सजा 2013 में सऊदी अरब में भी दी गई थी। मौत के घाट उतारने की ये ऐसी क्रूर सजा है जो प्राचीन समय में काफी देशों में इस्तेमाल होती थी और वर्तमान समय में भी कई देशों में अपराधियों को ये सजा दी जाती है, खास तौर पर उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में और मिडल ईस्ट में। ईरान में पत्थर मारने से पहले पुरुष अपराधी को कमर तक और महिला अपराधी को सीने तक गाड़ना जरूरी है। पत्थर मारने की सजा को साल 2013 में ब्रुनेई देश के सुल्तान ने भी अपने देश में लागू किया है। ये सजा 1888 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू की गई। 1890 में विलियम कैमलर को हत्या करने के लिए यह सजा दी गई। कुर्सी पर बैठने पर 18 सेकंड तक बिजली का झटका दिया जाता है और दूसरा झटका 70 सेकंड का होता है। इस सजा का उपयोग कई अमेरिकी राज्यों में किया गया। 1990 में इस तरह की सजा की बहुत आलोचना हुई। इस सजा में अपराधी के शरीर के अंगों को काट दिया जाता है। 17वीं सदी में इंग्लैंड में नाक, कान, होंठ सजा के तौर पर काट दिए जाते थे। वहीं 1800 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के जानवरों की चोरी पर कान काट दिए जाते थे। इस्लामिक देशों में चोरी करने पर हाथ काटने का प्रावधान भी है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।